नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर डे में। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। हम आपको बताने वाले हैं गेहूं में जो तेज़ी आई थी वो किस कारण से आई थी, मंदी किस कारण से आ रही और आगे तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे, मैं ये आपको जवाबदारी देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना किसान मित्रों। आपके लाइक से हमको सपोर्ट मिलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें तेज़ी का कारण क्या था किसान मित्रों। तेज़ी का कारण था रूस यूक्रेन युद्ध, इसका मेन कारण यही था। ये दो निर्यात आयात के बड़े देश हैं, इन देशों में युद्ध होने के कारण आयात निर्यात रुक गया था। इस वजह से आयात निर्यात भारत के पास आया और भारत ने कीमतों में बढ़ोतरी की, भारत को जो आयात निर्यात हुआ उस कारण से इन सब चीज़ों में। अब इसके बाद किसान मित्रों हम आपको बता देते हैं मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने के कारण हमारे देश में फिर से गेहूं की कीमतों में थोड़ा वृद्धि नहीं कम हो कीमत कम होते हुए दिख रही है। अभी आपने देखा कि लगातार कुछ जो कीमत बढ़ रही थी लगातार वो कम होती दिख रही है। अभी जो आवक है वो भरपूर है, आवक ज़्यादा होने के कारण कीमतों में कमी हो रही है। लेकिन जैसे ही आवक कम होगी किसान मित्रों फिर से वही स्थिति बनेगी, फिर से गेहूं में तेज़ी देखने को मिलेगी। उसका सीधा सा कारण यह है कि अभी ये देशों रूस यूक्रेन इस साल तो आयात निर्यात से पूरी तरीके से बाहर हैं। ये दोनों देश आयात निर्यात इस साल नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में खपत तो उतना ही होना है, गेहूँ की खपत उतनी ही रहेगी। इस कारण से फिर से तेज़ी मांग बढ़ेगी आयात के लिए, जो हम निर्यात करते हैं दूसरे देशों में उसकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के कारण फिर से हम कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस तरीके की जानकारी हमारे मंडी एक्सपर्ट बताते हैं और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो भी इसी तरीके की जानकारी देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। नमस्कार।